दोस्तों, मैं फिर से नाहरलगन पोलो पार्क में आया हूँ और हम सोचा कि आज एक मैं नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लूँ, बिकॉज बेसिकली आई एम ए टीचर. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक ए वीडियो ऑन पर्सनलिटी डेवलपमेंट. सो नॉट जस्ट वन वीडियो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी मेकिंग मेनी वीडियोज ऑन पर्सनलिटी डेवलपमेंट. तो मेरा कोई टॉपिक कॉन्टेंट मैंने नहीं लिखा है, तो जो भी मुझे लगेगा कि आज इस टॉपिक के ऊपर मेरा बोलने का मूड है और कॉन्टेंट भी है, मूड भी है, तो मैं वीडियो बना दूंगा. और मैं आशा करता हूं कि ये जो पर्सनल डेवलपमेंट जो क्लास होगा, ये आपका ऑल काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही काम आएगा. तो मैं ये अपना रूम में बैठकर ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि रूम में बैठकर क्या होता है कि ज़्यादा सीरियस हो जाता है और मज़ा नहीं आता है मुझे. तो कुछ वीडियो तो मैं रूम में ही बैठ के बना लूँगा, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे चलते चलते बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वॉक एंड टॉक जिसको कहता है. तो मेरे पास अभी साधन नहीं है, इसलिए मैं नाहरलगन एरिया में ही घूमता रहता हूँ. तो आप भी सोचता होगा कि ये एक ही जगह पोलो पार्क यहीं घूमता रहता है और अपना वीडियो तो कभी लेता नहीं है. तो खैर, मेरे फिर से आपको बोल देता हूँ कि मेरा जो इक्विपमेंट्स है, मेरा जो साधन है, बहुत ही ऑर्डिनरी है. तो बात यहाँ पे सिर्फ मेरा जो है कंटेंट में आप जोर दीजिएगा, कंटेंट में क्या कह रहा हूँ उन बातों पे ज़्यादा आप जोर दीजिएगा. तो छोड़िए इन बातों को, बातें करता है आज पर्सनली डेवलपमेंट का. तो ये वीडियो स्पेशली एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स के लिए है, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इंटरव्यू देने वाला है या इन फ्यूचर में देने का संभावना है, और ऐसे भी आम लोगों के लिए भी है जो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहता है. ठीक है, तो मैं ये वर्ड जो पर्सनैलिटी है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ. पर्सनैलिटी जो वर्ड है, एक्चुअली पर्सोना, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मास्क. सोना मीन्स साउंड. तो एंशियंट ग्रीक में क्या होता था, ड्रामा वगैरह जो होता था, स्टेज प्ले, 5X play, 3X play जो ड्रामा होता था, तो उसमें उस समय एंशियंट समय पर ग्रीक में हो या इंडिया में, लड़कियों को एक्टिंग करने का, स्टेज में लड़कियों को एक्टिंग करने का अलाउ नहीं था. तो लड़का जो होता था वही लड़की का मास्क लगाकर भी एक्टिंग कर लेता था, लड़की का मास्क लगाकर लड़की का एक्टिंग कर लेता था. और इसी प्रकार से मान लीजिए इंडिया में भी कोई लड़का है लेकिन वो सीता का एक्टिंग कर रहा है या रावण का या राम का, तो अंदर जो आदमी है वो अलग, मास्क जो है वो अलग. तो सोना मीन्स साउंड, मतलब साउंड बिहाइंड द मास्क. ओके, तो मास्क एक और होता है और पीछे व्यक्ति कोई और होता है. तो पर्सनैलिटी भी समथिंग लाइक दिस. वैसे पर्सनैलिटी एक काइंड ऑफ फैक्ट थिंग ही है, कैरेक्टर इज द रियल थिंग, कैरेक्टर इज द ट्री, पर्सनैलिटी इज द शेडो. बट एनीवे, क्या होता है कि इंटरव्यू वगैरह में जब आप फेस करते हो, या लाइफ में भी जब आप किसी के साथ बिजनेस इंटरेक्शन, या डिप्लोमेसी में, या पॉलिटिक्स में, या एनी फील्ड में आप जब किसी के साथ इंटरेक्शन करता है, तो पर्सनैलिटी एक प्रमुख चीज़ है, पर्सनैलिटी एक विजिबल चीज़ है. तो लोग आपका पर्सनैलिटी को बहुत चेक करता है. वैसे अगर पर्सनैलिटी, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का पर्सनैलिटी अच्छा होता है जिसका कैरेक्टर भी अच्छा होता है. तो इसमें मैं और भाषणबाजी नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आज का जो मुद्दा है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर है, ना कि द पर्सनैलिटी. ओके, द एटिमोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी. तो मैं यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ. तो देखिए, एक क्वेश्चन है इंटरव्यू में, वैसे कई सारा क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन बैक टू बैक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहला जो मेरा आज मुद्दा है वो है, इंटरव्यूज़ में आप देखा होगा एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट है, 99.99% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. और ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, बट आपको जवाब देना होता है. ये मतलब इसमें इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, बट स्टिल दिस इज ए क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. तो देखिए, पहला जो इंटरव्यू में 99.99% जो चांसेस होता है कि ये क्वेश्चन किसी भी तरह का इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, इंटरव्यू हॉल के अंदर, और कभी कभी ये क्वेश्चन का जवाब हमें बाहर भी देना पड़ता है. तो पहला क्वेश्चन है, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ओके, दूसरा है, व्हाई शुड वी गिव यू दिस जॉब. ओके, तीसरा है, व्हाई डू यू वांट टू बी ए टीचर और एन इंजीनियर और डॉक्टर. व्हाई यू वांट टू बी व्हाट, माने जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो पोस्ट आप क्यों लेना चाहते हो. कि ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू लीव द लास्ट जॉब. इसके अलावा कई सारा इस तरह का क्वेश्चंस होगा जो मैं आपका इसका जवाब देने का कोशिश करूंगा. तो ये जो पहला क्वेश्चन है आज मैं इसी पे बात करूंगा. टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए. नाउ फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने बारे में कुछ बताइए. टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ. जैसे आप इंटरव्यू हॉल में जाते हो और आपने कहा मैं आई कम इन सर, और कभी कभी कहने का ज़रूरत नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख लीजिए इंटरव्यू रूम किस लोकेशन पर है, किस तरह का दरवाज़ा है, ठीक है, आपका अपीयरेंस क्या होगा, आपका ड्रेसिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, एंड देन कॉन्फिडेंस के साथ आप घुसते हो तो आपको कहता है कम इन, टेक ए सीट, या यू मे बी सीटेड,
इस तरह का आपको बोलेगा, आप बोलेगा थैंक यू और आप बैठ जाओगे। और उसके बाद पहला ही क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, ओके मिस्टर जॉन, जो भी आपका नाम है, हम अभी के लिए जॉन कह रहा हूँ, ओके, और हैरी शेली मेरी जो भी, हेलो जॉन, ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप क्या होता है, आपको आपका प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। अभी आप सोचने लगते हो कि अपने बारे में क्या बताऊँ, कहाँ से बताऊँ, बातें बोलने के लिए बहुत सारा है और नहीं भी है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे अपने बारे में और नहीं भी है। तो अभी आप सोचोगे कि अपने बारे में अगर अच्छा बताऊँ, इफ़ आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, देन वो बूस्टिंग जैसा हो जाएगा, राइट, सॉरी बोस्टिंग, ओके नॉट बूस्टिंग, आई एम वेरी सॉरी, ये कभी कभी होमोनिम्स जो होता है बड़ा प्रॉब्लम कर देता है प्रोनाउंसिएशन में, ओके बूस्टिंग अलग चीज़ है, बोस्टिंग तो ये मैंने बोस्टिंग जैसा लगेगा। इफ़ यू अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलोगे, मैंने ज़्यादा कि आपके वगैरह वगैरह अच्छा अच्छा बातें, और अगर आप अपने बारे में ख़राब बोलोगे तो डिप्रिशिएट करोगे तो भी ख़राब है। तो इंटरव्यू में ना आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो ना डिप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि खुद का तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, और अगर खुद का तारीफ करना अच्छी बात नहीं है तो आप अपने खुद का बारे में ख़राब भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर ख़राब बोलेगे तो आपको तो इंटरव्यू में लेगा ही नहीं, है ना, आप सिलेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक प्रोटेक्शन के लिए बना दिया ये, क्योंकि यहाँ से कोई बच्चा खेलते खेलते या यहाँ पे क्रिकेट बहुत खेलता है बच्चे लोग, तो अगर बॉल यहाँ आ गया तो बॉल का चक्कर में यहाँ से गिर सकता है बच्चा नीचे, और नीचे ही है पोलो कॉलोनी जाने वाला एक रास्ता, तो सीधा नीचे पहुँच जाएगा। और इसीलिए ये प्रोटेक्शन के लिए बेम्बू का जो बेरा लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा किया, एक फेंस टाइप। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट माय टॉपिक। तो मैं कह रहा था कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आप अपने आप को ना तो अप्रिशिएट कर सकते हो ना तो डिप्रिशिएट कर सकते हो, तो आप कहोगे क्या, मैंने देखिए क्या नहीं करना है इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स ऐसा होता है, उसको पूछता है ओके टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो कहने लगता है कि सर मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं इनोवेटिव हूँ, ठीक है, अपने बारे में जितना पॉजिटिव वो कह सकता है वो अंग्रेजी में या हिंदी में वो कहता जाएगा, वो बोलेगा सर हम तो बहुत सिंसियर है, हम काम भी सुबह से शाम 9 to 5 कर लेगा, हमको कहीं भी ट्रांसफ़र दीजिए हम जाएगा, हम वर्कहोलिक है, हमको काम करना बहुत पसंद है, आई एम इनोवेटिव, आई एम, तो इस तरह के अपने बारे में तारीफ करेगा। मैंने वो अगर ऐसा है भी तो भी ऐसा कहना शोभा नहीं देता, राइट, इंटरव्यू में, क्योंकि नौकरी पाने के लिए तो कोई भी अपने आपको सिंसियर, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल कहेगा, है ना, ऑनेस्ट कहेगा, लॉयल कहेगा, तो ये तो नौकरी पाने के लिए कोई भी कहेगा, तो इसमें एक्स फैक्टर क्या है, व्हाट इज़ एक्स्ट्रा, ओके, और अपना आपका अप्रिशिएट करना भी हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि अपने बारे में आप तारीफ नहीं कर सकते हो, है ना, तो कहोगे क्या, सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल बहुत ईजी है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आप कहोगे क्या। तो अभी मान लीजिए फिर आप अपने आपको डिप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, लाइक सर हम तो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, मेरा दोस्त लोग कहते हैं कि तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर है लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा है, सर मुझे दोस्त लोग तो ऐसा कहता है, मेरा घर में भी कहता है भैया या बेटा आप बहुत शॉर्ट टेम्पर है लेकिन आपका दिल अच्छा है, दिल अच्छा आदमी ही शॉर्ट टेम्पर होता है, सर हम गुस्सा बहुत जल्दी होता है लेकिन हम ठंडा भी जल्दी हो जाता है, तो सर हम थोड़ा सुस्ती है लेकिन अपना जो काम होता है उसको तो हम कंप्लीट करता है। तो इस तरह से आप अपना ऑनेस्टली अपना जो कैरेक्टर है आप बताने लग गए, आप अपना अच्छा भी नहीं बता सकता है, बुरा भी नहीं बता सकता है, तो क्वेश्चन ये है माई फ्रेंड्स कि आप बोलोगे क्या इंटरव्यू में, है ना, कुछ बोलेगा सर अगर मुझे ये नौकरी मिल जाएगा तो आप जहाँ बोलोगे वहाँ हम पोस्टिंग या ट्रांसफ़र चला जाएगा, हमको हमेशा गवर्नमेंट जॉब करने का इच्छा था, गवर्नमेंट को सर्व करने का दिल था, हम हमेशा बच्चों को पढ़ाना चाहता था, हम हमेशा डॉक्टर बनने के आदमी को घर घर जाकर ट्रीटमेंट करना चाहता था, हम फ्री में क्लिनिक डिस्काउंट में खोलना चाहता था, इस तरह की बातें तो नौकरी पाने के लिए हर कोई बोलता है। और मान लीजिए अगर ऐसा इंटेंशन आपका था भी है भी, क्या पता नौकरी मिलने के बाद आप ये सारा बातें भूल जाए, है ना, तो फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सोचिए ज़रा कि आप क्या बोलोगे, अपने बारे तारीफ़ करोगे या अपने बारे में आप डिग्रेड करोगे, खुद को ना अप्रिशिएट कर सकता है ना खुद को डिप्रिशिएट कर सकता है। फिर कुछ ऐसा है, ये बीच का एक है, इमोशनलिज्म, ओके, इंटरव्यू में ये बोलेगा कि सर हम तो बहुत गरीब खानदान से है, मेरा पेरेंट्स एग्रीकल्चरल फैमिली से है, मैं एग्रीकल्चरल फैमिली से हूँ, मेरा फैमिली में तो मेरा पिताजी बूढ़ा हो गया, रिटायर्ड हो गया, मेरा माँ तो हाउस वाइफ है, मेरा बहन का शादी नहीं हुआ और मेरा भी सर जॉब नहीं है, मेरा घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो इस तरह का इमोशनल बातें भी कोई लोग इंटरव्यू में कर लेता है। मैं भी जब किसी स्कूल का प्रिंसिपल था तो मुझे भी इस तरह का एप्लीकेशन मिलता था जहाँ पे इमोशनल बातें लिख करके नौकरी पाना चाहता था, खैर दया तो आ जाता था लेकिन इमोशनल बेसिस में तो किसी को आप नौकरी नहीं दे सकता है, राइट। तो मैंने कहा कि आप ना तो खुद को अप्रिशिएट कर सकता है ना डिप्रिशिएट कर सकता है ना इमोशनलिज्म इंटरव्यू हॉल में चलेगा, तो फिर कहोगे क्या। तो मैं इतना बात कर लिया लेकिन
आप बोलोगे क्या कर, ठीक है ना। तो ये एक इसी पे मैं एक्चुअली आज बात करना चाहता हूँ कि ना यू कैन नाइदर यू कैन अप्रिशिएट नॉर यू कैन डिप्रिशिएट नॉर यू कैन यूज़ इमोशनल एलिमेंट्स इन द इंटरव्यू हॉल। सो व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट इज़ योर आंसर? तो मैं तो आपको हिंट तो दूंगा, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए। ओके, दीज आर द लाइन्स यू हैव टू स्पीक, दीज आर द वर्ड्स यू हैव टू स्पीक। आई विल ओनली गिव यू हिंट कि आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। इसका बीच में से आपको एरिया बताऊंगा कि किन एरिया में आपको बात करना चाहिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दोज एरियाज। तो दोस्तों मैं घूम फिर के वहीं आ गया, हमेशा इसी पार्क में चक्कर लगाता रहता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप फर्स्ट थिंग यू शुड टॉक अबाउट व्हाट? तो देखिए, आप तो इंटरव्यू हॉल में ऑलरेडी आपका जो CV होता है, बायोडाटा या आपका जो रेज्यूमी, ओके डोंट कॉल इट रिज्यूम, रिज्यूम हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग ऑल्दो, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। तो आप इंटरव्यू हॉल में ऑलरेडी आपका बायोडाटा या रेज्यूमी या आपका जो क्या बोलते हैं सब CV आपने सबमिट किया हुआ है, सो दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। ओके, दे ऑलरेडी नो योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इफ एनी, तो ये सब उनको पता है। तो फिर भी जब आपको पूछा है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, द फर्स्ट थिंग यू शुड से आई थिंक कि आपको तो पहले तो थैंक यू बोलना होगा, ठीक है। आपको थैंक यू बोलने के बाद आप बोलोगे थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू ग्रीट द इंटरव्यूअर्स। ओके, इंटरव्यूअर्स का ग्रीट करना पड़ेगा, माने आपको इस प्रकार बोलना होगा, गुड मॉर्निंग डियर सर्स एंड मैडम्स, या गुड मॉर्निंग डियर सर्स एंड मैडम अगर एक मैडम है तो, ठीक है। डियर कभी मत कहना, गुड मॉर्निंग सॉरी डियर आप कह सकते हो, आई रेस्पेक्टेबल कहना, रेस्पेक्टेबल इज़ फार बेटर, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेबल सर्स एंड मैडम्स, एंड देन आप अपना जवाब दीजिएगा। तो जवाब कुछ इस प्रकार होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा कह सकते हो, आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू माई CV या बायोडाटा या जो भी आपने सबमिट किया हुआ है, आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू माई बायोडाटा, माई नेम इज़, अपना नाम बताइएगा फुल नाम। ओके, नाम बताने का दो ही तरीका है, माई नेम इज़ और आई एम, शॉर्ट में मत बोलिएगा, माने या फिर आप ऐसा मत बोलिएगा अपना सिर्फ टाइटल या नेम, पूरा नाम बताइए, माई नेम इज़ सपोज जॉन स्मिथ, ओके माई नेम इज़ जॉन स्मिथ या आई एम जॉन स्मिथ, ठीक है। एंड देन यू कैन से लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली, लाइक माई नेम इज़ जॉन स्मिथ, आई एम फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो, या आई एम फ्रॉम तेजू, इस तरह से। और लिटिल बिट अबाउट फैमिली, फैमिली के बारे में एक्चुअली आप तब बताइए जब इट इज़ आस्क, सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर इंटरव्यूअर्स को चाहिए तो आपको पूछ लेंगे। नेक्स्ट थिंग आपको बताना है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर आपको एक ड्राइवर चाहिए, आपको एक ड्राइवर चाहिए और वो ड्राइवर आके अपने बारे अप्रिशिएट करता है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, डिप्रिशिएट करता है तो आप उसको नौकरी में रखोगे ही नहीं। अगर वो इमोशनलिज्म कहता है कि मेरा बहन बीमार है, मुझे तो गाड़ी चलाना उतना आता नहीं है लेकिन मेरा बहन बीमार है, मेरा माँ बीमार है, इस तरह उस तरह, तो आप थोड़ी ना उसको नौकरी में रख लोगे। यू विल चेक हिज नॉलेज ऑफ ड्राइविंग, यू विल चेक हिज स्किल, यू विल चेक हिज नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ओके, आप उसको पूछोगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, देन यू विल वेरीफाई हिज डॉक्यूमेंट्स, लाइक उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस आई कार्ड वगैरह है कि नहीं, देन यू विल चेक हिज एटीट्यूड। ओके, ड्राइवर का एटीट्यूड, उसका पास्ट, उसका हिस्ट्री, उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड आप चेक करेगा ताकि वो किस तरह का मॉरल कैरेक्टर का आदमी है, राइट। उसका डिसीजन मेकिंग को आप चेक कर सकते हो उसका, ठीक है। तो देखिए, जब आप अपना आपको इंटरव्यू हॉल में अप्रिशिएट करते हो, लाइक आई एम सिंसियर, यू कैन नॉट प्रूव इट इन द इंटरव्यू हॉल। आप अगर बोलोगे आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम सिंसियर, क्या आप उसको इंटरव्यू हॉल में प्रूव कर सकता है? प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप इतना भी बोलते हो, सर माई हॉबी इज़ कुकिंग, आई लाइक टू कुक, कुकिंग इज़ माई हॉबी, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पूछेगा इफ़ कुकिंग इज़ योर हॉबी एंड देन मिस्टर जॉन टेल अस समथिंग अबाउट हाउ डू यू कुक चिकन करी, तो आप बता सकते हो, लाइक टू सर टू कुक चिकन करी यू नीड द फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट्स एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, सेकंड ऑफ ऑल दिस, थर्ड ऑफ ऑल दिस, तो आप इसको आराम से बता सकते हो। लाइक इवन मामूली से बात को आप प्रूफ कर सकते हो। तो जो बात आप प्रूफ नहीं कर सकता है एग्जाम हॉल में, वो बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैंने रिलेटेड टू योर सेल्फ, तो यू शुड नॉट से लाइक आई एम सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, लॉयल, पंक्चुअल, यू कैनॉट प्रूव दिस थिंग्स। आप पंक्चुअल बोल रहे हैं लेकिन जिस दिन आपका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, आपको जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, उसके बाद तो आप पंक्चुअल होगा ही नहीं। जो जनरली अरुणाचल में लोग देखता है 7 दिन में 6 दिन ऑफिस जाएगा, आई मीन 5 डेज ऑफिस जाएगा, टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँचेगा, 10 बजे के बाद ऑफिस पहुँचेगा। तो सो व्हाट विल बी योर आंसर? तो फर्स्ट थिंग यू शुड टेल योर नेम एंड द सेकेंड थिंग अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप उसको क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट रिपीट, आप सीधा बोलना होगा, लाइक आई हैव डन MA इन इंग्लिश और आई हैव ऑल्सो डन BEd या आई एम डूइंग BEd या आई हैव डन PG
या LLB व्हाटएवर, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आप बत... तो आप सिर्फ इतना बोलोगे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. ओके, सेकेंड थिंग यू विल से, थर्ड थिंग आई थिंक, फर्स्ट थिंग नेम, सेकेंड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड थर्ड थिंग यू से ये आपका एक्सपीरियंस इफ एनी. ठीक है, मैंने इसको आगे पीछे आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको ही इसके बाद बोलना है, जैसे आपका कन्वीनियंट हो उस समय, तो जो याद आ जाए. तो आपको थर्ड थिंग कहना है आपका एक्सपीरियंस इफ एनी. मान लीजिए आप कहीं पे 5 साल 6 साल 7 साल काम किया है, आपके 2 साल काम किया है, फिर फिलहाल भी कहीं काम कर रहा है, तो उसको भी आप ऑनेस्टली बता दीजिए कि प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विथ एन NGO, या प्रेजेंटली आई एम टीचिंग इन ए स्कूल, प्रेजेंटली आई एम टीचिंग इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, या प्रेजेंटली आई एम टीचिंग टेकिंग ट्यूशन, या प्रेजेंटली आई एम डूइंग ए स्मॉल बिजनेस, वॉट एवर, या प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई एजुकेशन. तो जो भी आप प्रेजेंटली कर रहे हो वो बात को भी आपको बताना होता है. ठीक है, तो आपका नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, लाइक आप कह सकते हो लाइक सर आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ए स्कूल, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज लाइक वॉट एवर वर्किंग इन एन NGO. तो इस तरह से आपको, तो आप जो है अपना एक्सपीरियंस को बता सकता है. और उसके बाद आप और एक चीज़ आपको इसी बीच में आपको इंटरजेक्ट करके, यानी कि इंटरप्ट करके, आपको इंटरव्यूअर्स आपको पूछ सकता है लाइक आपने तब तो वो जॉब क्यों छोड़ दिया, व्हाई डिड यू लीव द प्रीवियस जॉब. ओके, देखिए इसमें जब आप कभी भी आप इसमें ये मत कहिए, निगेटिव मत कहिए कि आपका जो पहला बॉस था वो अच्छा नहीं था, पगार कम देता था, या उससे मेरा आर्गूमेंट हो गया, हाँ, या मैं इस ढंग से काम को करना चाहता था वो नहीं मानता था, वगैरह वगैरह, वो कम पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे लोगों का इज्जत करना नहीं आता था, वो हर किसी को इसी तरह करता था, नौकरी से निकाल देता था, बॉस जो बहुत बॉसी था, एरोगेंट था, काइंड ऑफ, तो ये सब आपको इंटरव्यू हॉल में कुछ भी नहीं कहना है. निगेटिव वर्ड यूज़ करते ही पूरा माहौल निगेटिव हो जाएगा. आपको सिंपली इतना कहना है, आप हमेशा ही उल्टा तारीफ कीजिए, मतलब उसका जो पॉजिटिव को बोलिए, ऐसा कोई बात मत बोलिए जिसको आप वहाँ पे किसी को डिग्रेड कर रहे हैं. आप ये बोलिए कि नो इट वॉज़ ए गुड जॉब, क्योंकि मैं पिछले जॉब से बहुत कुछ सीखा, पिछले जॉब से ही मैं मोटिवेट हुआ, और हर जॉब में अप्स एंड डाउन्स रहता ही है, कोई एडजस्ट हो जाता है, कोई नहीं होता है, और वैसे भी मेरा वो परमानेंट जॉब नहीं था, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में था या पार्ट टाइम बेसिस में था, तो मैंने अपना पार्ट टाइम बेसिस का जो ड्यूरेशन है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो ड्यूरेशन है मैंने ख़त्म किया, और उसका बाद मैंने वो जॉब छोड़ा, या फिर मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने मालिक को बोल के भी रखा था जब मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कहीं पर, ज़्यादा मेरा जो पर्सनैलिटी है उसको ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो मैं वो तो चला जाऊँगा. तो इस तरह की बातें आपको करना होगा. यू शुड गिव सम पॉजिटिव रीजंस फॉर व्हाई यू डिड लीव द जॉब. ओके, या थोड़ा नॉइज हो गया था, एनीवे, तो यू हैव टू टॉक अबाउट, यू शुड गिव अ पॉजिटिव रीजंस व्हाई यू लेव द लास्ट जॉब. ओके, डोंट टॉक बैड और इल अबाउट और गॉसिप अबाउट योर प्रीवियस बॉसेस. तो आप उल्टा बताइए कि उस प्रीवियस जॉब से मैंने बहुत कुछ सीखा, वहीं से मैं मोटिवेट हुआ, वहीं से मैं जॉब क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होता है, सर्विस क्या होता है, वर्क क्या होता है, मैंने सीखा. भले ही आपका बॉस ऐसे था, भी मेरे जीवन में भी इस तरह का बॉस आया है जो बहुत ही मतलबी था, एरोगेंट था, वगैरह वगैरह, बट मैंने कभी भी उनको, वो मेरा लाइफ का बस एक टीचिंग है, एक्सपीरियंस है. इस तरह के लोग तो ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, इस तरह के लोग और भी आएंगे और जाएंगे, बाद में भी, इन फ्यूचर भी, है ना. ऐसा नहीं कि वो बॉस ही लास्ट था, आपको गवर्नमेंट जॉब में भी इस तरह का आना जाना हो सकता है. सो आपको बीच में इंटरजेक्ट करके, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ का बीच में जब आप बता रहा होगा, तो आपको इंटरजेक्ट करके, इंटरप्ट करके आपको ये बात पूछ सकता है, क्योंकि आपने मेंशन किया ना, आपने वहाँ वहाँ काम किया, तो ये एक बात हो जाता है. तो फिर आप अपना अदर एक्सपीरियंसेस भी बता सकते, अदर क्वालिफिकेशंस भी बता सकता है, लाइक विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस जॉब, लाइक माने कि आप कुकिंग में कोई 2 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स किया था, या कंप्यूटर में 3 महीना का कोर्स किया था, या मान लीजिए स्टेनो में किया था, या कारपेंट्री में किया था, है ना, या मान लीजिए PhD टीचर्स का जो, माने कोई फिजिकल हेल्थ ट्रेनिंग में या स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर एक्सपीरियंस इफ एनी है, तो वो सुनाना नहीं होता है, वो अप्रिशिएट करना नहीं होता है. यू आर जस्ट गिविंग योर प्रोफाइल टू देम. सो उसमें आप डोंट हेजिटेट टू टॉक अबाउट योर प्रोफाइल. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोस्टली यू टॉक अबाउट योर प्रोफाइल, योर एक्सपीरियंस, योर व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर लास्ट जॉब्स, एंड योर क्वालिफिकेशंस, योर क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी, योर एक्सपीरियंस. तो इसके बारे में ही आप बातें कीजिए व्हेन जब आपको कोई पूछता है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ओके, आप कभी भी ये सब वर्ड एग्जेक्टिव्स या नाउंस का यूज़ मत कीजिए कि हम सिंसियर था, हम सिंसियर है, हम हार्ड वर्किंग है, हम पंक्चुअल है, हमको जॉब देगा तो 9 to 5 हम जॉब करेगा,
है ना, या सर हम तो बहुत गुस्सेदार है लेकिन मेरा दिल अच्छा, इस तरह का, या इमोशनलिज्म, ये सब बिल्कुल मत कीजिए। आई एम रिपीटिंग, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने से आप देख लीजिए कि ये सब आपको नहीं करना। ये आपको सीधा सीधी जो है अपना नाम, अपना छोटा सा आप कहाँ से हो, ठीक है, ये उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशंस इफ एनी, अपना एक्सपीरियंस एंड व्हाई डिड यू, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द लास्ट जॉब, दैट्स ऑल। बिकॉज आपको अगर ड्राइवर चाहिए, यू चेक देयर स्किल, नॉलेज, देयर एटीट्यूड, कैरेक्टर, ओके। और जब भी आप ये बातें बोल रहे हो तो आप पूरा पॉजिटिवली बोलिए, ओके, एंड दे विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी। एंड देन फाइनली आपको तो ये बोलना ही है, थैंक यू वेरी मच, या आप बोल सकते हो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, दैट्स अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, इस तरह से आप एंडिंग करना है। सो दे आर इंटरेस्टेड इन योर स्किल्स, योर क्वालिफिकेशंस, योर एक्सपीरियंस, नहीं कि आपका घर में क्या चल रहा है, आपका माँ बीमार है, ये वो है, आप आपका कैरेक्टर ऐसा है, ये वो लोग भाई बहन नहीं है, वो आपका पिताजी अंकल अंश नहीं है जो आपका माने दे आर लुकिंग फॉर समबडी परफेक्ट। माने मान लीजिए 10 पोस्ट है, देने वाला 1000 है, उसमें से 100 जो इंटरव्यू के लिए आया है, तो उसमें से उसको 10 सिलेक्ट करना है, तो वो इमोशनल बेसिस में आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, इमोशनल बेसिस में आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि दे विल चेक योर एटीट्यूड, बिकॉज इंटरव्यू मेनली इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट योर एटीट्यूड, इट्स अबाउट योर, इसके बारे में तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लाइक आपका डिसीजन मेकिंग के लिए कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, दे वुड वांट टू नो कि आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसा है, तो ये सब का बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप मेरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन मेरा आज का यही था कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ओके फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही हिंट मिल गया होगा। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट वर्ड लिख के नहीं दे सकता हूँ, ओके, सबका अपना अपना होगा, अपना अपना वेरिएशंस होगा, लेकिन आपको मैं एरियाज़ को बता दिया कि कौन सा एरियाज़ में आपको बात नहीं करना चाहिए और कौन सा एरियाज़ में आपको बात करना चाहिए। तो मोस्टली वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अपना नाम, आप कहाँ से हो और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशंस इफ एनी, आपका एक्सपीरियंस, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द लास्ट जॉब्स, इस तरह की बातें ही आपको करना है, ओके। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ में, डू नॉट टॉक अबाउट योर नेगेटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, ओके, बैलेंस में रहिए। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट लाई इन द इंटरव्यू रूम, दे आर एक्सपर्ट पीपल, वेन एवर यू एंटर एन इंटरव्यू रूम हमेशा रेस्पेक्ट के साथ जाइए कि वहाँ पे जो लोग बैठ के आपको इंटरव्यू लेने वाला है वो लोग पहुँचे हुए लोग हैं, वो लोग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, आप उनको उल्लू नहीं बना सकते हो, उनको आप ठग नहीं सकते हो। सो आप जो भी बोलोगे ट्रूथफुली बोलोगे, ऑनेस्टली बोलोगे, आपका आँखों में भी वो दिखाई देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई एंड माई वीडियो हेयर एंड आई एक्सपेक्ट दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल, गुड लक।